ब्रीफ में एंशियंट को देखते हैं, ठीक है। ब्रीफ में आज की क्लास में कोशिश करेंगे, हालांकि सर ज़्यादा टाइम ले लिया है, तो मैं आप लोग के सामने वो कहानी बनाना चाहता हूँ जिस कहानी से आप हिस्ट्री से जुड़ पाएँ, ठीक। निश्चित रूप से हिस्ट्री हमारे पूर्वजों की कहानी है। किसकी? और हमारे पूर्वज कौन हैं ये हम लोग कितना जानते हैं, ये तो आपको तब पता चलेगा जब मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितने पीढ़ी तक के नाम जानते हैं अपने ऊपर की। दादाजी का, दादाजी के पिताजी का, दादाजी के दादाजी का, बस हो गया। दादाजी के पिताजी का मतलब बस इतना ही। दादाजी के पिताजी आपके क्या लगेंगे? परदादा, बस उतने जानते हैं। उसके पहले की कहानी क्या है आपको पता ही नहीं अपने बारे में? मतलब कहानी पता है, हो सकता है कहानी पता हो पर नाम नहीं पता है ना। अब अच्छी बात यह है कि सबसे पहला व्यक्ति कौन रहा होगा इस धरती पर, यह हम लोग को पता नहीं है, ठीक। एक किताब आई, उस किताब को भी हाल ही में मैंने पढ़ा, तो उस किताब के हिसाब से हमारा जो सबसे पहली जो नानी थी उसका नाम लूसी था। क्या? ये सबसे पहली महिला है जो इंसान के रूप में आई है, और उसी से फिर सारे लोग पैदा हुए हैं। मानवों की उत्पत्ति कहाँ हुई है तो जानते होंगे? कहाँ? मध्य एशिया। मध्य एशिया में हुई? कहाँ कहा जाता है मध्य एशिया में मानवों की उत्पत्ति नहीं हुई है बेटा, मध्य अफ्रीका में। कहाँ? ये जो घाटी देख रहे हैं आप, ये वो किना, ये अफ्रीका महाद्वीप, और ये अफ्रीका महाद्वीप के ही पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में मानव पहली बार जन्मे। अब मानव कहाँ जन्मे ये कहानी लंबी है, आप लोग साइंस में पढ़ेंगे, मानव विकास होता है उसमें एक चैप्टर, वहाँ देखेंगे, यहाँ ऐतिहासिक पक्ष देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो वहाँ से चल के पूरे धरती पे मानव आए हैं, एक संकल्पना ये है, ठीक। मध्य प्रदेश में जो सबसे पुराना मानव का साक्ष मिलता है वो कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में, हथनौरा में मिला है ना? ये तो क्लियर है ना, मानव के खोपड़ी के साक्ष मिले हैं हथनौरा से, तो नर्मदा घाटी में सबसे पुराने मानव के साक्ष मिलते हैं, और वो क्लियर है कि वो संभव है कि यहीं से आए हों, या हो सकता है कि यहाँ के नेटिव हो। थ्योरी बहुत सारी है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो थ्योरी जो मानव के संक्रमण सिद्धांत कहलाता है कि मानव एक जगह उत्पन्न होकर के सब जगह फैले हैं, ठीक है। इससे एशिया, मध्य एशिया पहुंचे, फिर मध्य एशिया से भारत पहुंचे, ये ग्राफ बनता है। कुछ मानव मध्य एशिया से इधर की ओर चले गए तो ये यूरोप साइड चले गए, है ना। तो वो हाँ, अरे वर्णन कहाँ मिलता है ये विषय का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग देखो, पहली बात ये डिसाइड कर लिया जाए कि हम लोग को पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, ठीक। उसका वर्णन उल्लेख कहाँ मिलता है ये हमारे ज्ञान का विषय है ही नहीं, ठीक। और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता है कहाँ है, क्लियर होगा। जहाँ होगा उस वर्णन में, क्या हमारे परीक्षा में उस वर्णन से हमारा सिलेक्शन निश्चित हो रहा है? क्यों फालतू डेटा इकट्ठा करे भाई, उसका वर्णन कहाँ मिलता है? कहीं नहीं पूछने जा रहा है आपका। इतिहास में हम लोग नेट जेआरएफ नहीं होने जा रहे हैं, इतिहास हमारे सिलेबस में सामान्य ज्ञान जितना ही है और उतना ही पढ़ना है, एक्स्ट्रा डेटा आपको नहीं चाहिए। और बहुत ही चुल है कि कहाँ है, तो सर्च कर लेना इस मोबाइल में कि ये साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलता है, क्लियर। देखो उधर मत ले जाओ, हमारे पूर्वज कहाँ से हम पढ़ सकते हैं? तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतिहास को आप लोग सबसे पहले किस भाग में बांटते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक में हमारे पूर्वज नहीं थे, यहाँ कोई मानव ऐसे नहीं है जिनके द्वारा कुछ छोड़ा जा चुका हो कि हम लोग समझ जाएं कि क्या कर रहे थे, ठीक है, समझना मेरी कहानी को, ठीक। प्राग ऐतिहासिक, इसके बाद आता है कहानी क्या, आद्य ऐतिहासिक, है ना, और इसके बाद आता है क्या, ऐतिहासिक, समझना। वास्तव में इतिहास शुरू होता है, समझा रहा हूं बेटा ध्यान से समझना, इतिहास शुरू होता है कहां से? ऐतिहासिक काल से, ठीक। देखो इसमें लिपि है, सॉरी लिपि नहीं है, इसमें लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है, क्लियर। लिपि उन्होंने बनाया, कुछ लिखा है लेकिन हम क्लियरली उसको पढ़ नहीं सकते हैं। लिपि तो है, यहाँ लिपि है ही नहीं, पढ़ने का सवाल ही नहीं। लिपि है लेकिन यहाँ हम लोग पढ़
पढ़ नहीं सकते, और यहाँ लिपि है, मतलब लोग कुछ लिख के गए हैं हमारे पूर्वज और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। तो जहाँ से लिपि है और उसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, वहीं से हिस्ट्री शुरू होती है। तो इसके पहले क्या है? इसके पहले का ये जो सब्जेक्ट होता है, ये आर्कियोलॉजी है। क्या है? पुरातत्व है। क्या है ये? पुरातत्व विज्ञान है, इतिहास नहीं है। इतिहास के साथ पुरातत्व जुड़ा हुआ है। क्लियर? हमारी कहानी वास्तव में शुरू तो वहां से होनी चाहिए जहां से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ना। समझ पा रहे हैं क्या? आइए शुरू करते हैं शुरुआत से ही एकदम। देखो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी, है कि नहीं? ठीक है, ये आप कहाँ पढ़ते हैं? कॉस्मोलॉजी में, भूगोल में जनरली आप लोग पढ़ते हैं। इसके बाद ब्रह्मांड में हमारी एक पृथ्वी है, बीच में और भी बहुत कुछ है, हमने छोड़ दिया है। गैलेक्सी है, दुग्धमेखला है, मंदाकिनी है, वो सब ने छोड़ दिया। ठीक है, पृथ्वी है, और पृथ्वी को हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? भूगोल में। ठीक, इस पृथ्वी पर अभी मानव नहीं है, अभी मानव नहीं है। ये पृथ्वी 4 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हो चुकी है पृथ्वी की, और इसमें मानव आता है केवल कब? पढ़े होंगे ना आप लोग लूसेंट में, पहली लाइन में लिखा होगा कहीं, 26 लाख वर्ष पहले। ठीक, मानव उत्पन्न हुआ इसके पहले, अर्थात हमारी पृथ्वी तो थी बहुत दिनों से, पर मानव इसमें से केवल कितने लाख साल पहले? 26 लाख साल पहले आया। इसके पहले क्या था? इसके पहले बाकी जीव रहे होंगे और जैव विकास शुरू रहा होगा, चलता रहा होगा। ठीक, तो हमारा जो प्रागैतिहासिक काल शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से, 26 लाख पहले से, जहाँ से मानव की घटनाएं शुरू होती हैं। क्लियर? तो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो बहुत पुराना होगा, पृथ्वी भी बहुत पुरानी है, और उसमें मानवीय गतिविधियां जहां से शुरू हो जाती हैं, जहां से मानवीय गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, वहीं से हमारा इतिहास शुरू होता है। ठीक, लेकिन मानवीय गतिविधियों को भी इतिहासकारों ने 3 भागों में तोड़ दिया। एक वो भाग जहां मानवीय गतिविधियां हैं लेकिन क्लियर हम नहीं कह सकते कि वो क्या कर रहे थे। एक वो भाग जहां मानवीय गतिविधियां हैं, लोग क्या कर रहे थे, लिख के तो गए लेकिन अभी मुझको पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक, और इस दोनों सेक्शन को पैलियोलॉजी या आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं, पुरातत्व विज्ञान। इसको इसको हम लोग जब देखेंगे ये वाला इतिहास को, प्रागैतिहासिक काल को, तो आप पाएंगे कि मानव ने क्या, कहाँ पे क्या किया, ये तो उल्लेखित है, लेकिन हमारे क्लियर में वो, मतलब हमारे दिमाग में वो क्लियरिटी नहीं आ पाती कि इस समय मानव क्या कर रहा होगा। ठीक, भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक काल। ठीक, मानव ने चित्र बनाए हैं लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, पिक्टोग्राफिक लिपि। यहाँ पे जो लिपि मानव ने इस्तेमाल किया है वो क्या इस्तेमाल किया है? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ होते हैं चित्र, क्या होते हैं? चित्रलिपि होती है। तो यहाँ पे चित्रलिपि बनाएगी, हम केवल अंदाजा लगा सकते हैं, क्लियर पढ़ नहीं सकते। क्लियर हम लोग पढ़ पाएंगे कहाँ से? ऐतिहासिक से। कहाँ से? ऐतिहासिक काल से। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इतिहास कहाँ से शुरू होता है हमारा? ऐतिहासिक काल से। और ऐतिहासिक काल अपने भारत में कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से? हड़प्पा से। ठीक है, मतलब हड़प्पा में कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप लोग क्लियर कह सकते हैं, हड़प्पा की लिपि पढ़ी जा सकती है। हड़प्पा में, हाँ, मतलब हड़प्पा हमारे ऐतिहासिक काल में है, पढ़ी जा सकती है निश्चित रूप से। ठीक है, तो इंसान जहां से जन्मता है, इतिहास वहां से शुरू होता है। उसके पहले पृथ्वी का पूरा इतिहास, इतिहास न हो के वो या तो भूगोल होता है, या तो वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, या तो वो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? आर्कियोलॉजी में चट्टानों में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, आर्कियोलॉजी में चट्टानों में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है ना। और उसमें मानव ने यदि कोई आकृति उकेरी है तो वो भी पढ़ा जाता है। तो चट्टानों के साथ मानव का जो संबंध रहा है वो कहाँ पढ़ते हैं? आर्कियोलॉजी में। शैल चित्र विज्ञान जितना होता है सब आर्कियोलॉजी में पढ़ा जाएगा। ठीक है, और हमारी हिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है वो कहाँ से? हड़प्पा से नहीं, हाँ, हड़प्पा से, बिल्कुल, हमारी हिस्ट्री जहाँ से शुरू होती है वो हड़प्पा से है। ठीक है, आप समझना थोड़ा सा, यहाँ तक किसी को समस्या जो मैं कहना चाह रहा हूँ? देखो कोई भी जानकारी इतिहास की हमको कहाँ से मिलती है बेटा? किताबों से। इतिहास की जानकारी
ये जो हम लोग सब कह रहे हैं, इतिहास की जानकारी जहाँ से मिलती है उसको हम लोग कहते हैं साक्ष्य। क्या कहते हैं? तो इतिहास में साक्ष्यों का बहुत महत्व है। मानव सबसे पहले आखेटक था। आखेटक समझते हैं? शिकारी था। क्या था? शिकारी था, ठीक। और शिकार के लिए इस्तेमाल ये करता था किसका? पत्थर का, ठीक। और पत्थर का इस्तेमाल करेगा, और पत्थर ये सब होंगे कहाँ? शिकार और पत्थर ये सब कहाँ मिलेंगे? जंगल में। तो काम क्या था आखेटक का? काम शिकार का काम। निवास कहाँ था? जंगलों में। जहाँ इंसान रहेगा वहाँ कुछ ना कुछ साक्ष्य छोड़ेगा। तो हम लोग तलाशेंगे क्या? पत्थर, ठीक है। हम उनको कहाँ देखने जाएंगे? पत्थरों पे देखने जाएंगे, जैसे भीम बैठकर जाते हैं, ठीक। तो भारत बस की बात नहीं है, पूरे विश्व में इंसान जंगलों में रहा और पत्थरों के साथ कुछ क्रियाएं की, ठीक। और जब तक वो पत्थरों से खेलता रहा उसी काल को हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा काल कह दिया गया? पाषाण काल। इंसान जो भी कुछ करेगा, जितने भी औजार बनाएगा, वो सब किसके होंगे? पत्थर के होंगे। उसके पास औजार, बर्तन, जो कुछ भी होगा, रहने का निवास, सोने का बिस्तर, सब किसका होगा? पत्थर का होगा। दूसरा वो कुछ जानते ही नहीं अभी, ठीक। लकड़ी और पत्थर, लकड़ी और पत्थर, दो ही चीज, ठीक है। इंदौर में ही यहीं पर केंद्रीय संग्रहालय है, गए कभी घूमने? जाइए देखिए, वहाँ आपको मिल जाएगा, सारी कहानी मिल जाएगी। भोपाल चले जाइए, जनजाति संग्रहालय, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। भोपाल चले जाइए, इंदिरा गांधी संग्रहालय, वहाँ सब आपको देखने को मिल जाएगा, स्पष्ट। घूमिए कभी, मतलब मौका मिले तो, दिवाली, दशहरे, छुट्टी में। तो सारी चीज़ें यहाँ पे किससे हो रही हैं? पत्थर से। पाषाण, मनुष्य पत्थर से खेल रहा है ना। पढ़े होंगे आप लोग क्या क्या औजार बनाया है ना, छैनी, कुदार, फ्लैक, फलक, जो कुछ भी बन रहा है, उनकी ब्लेड भी बन रही है, सुई भी बन रही है, तो किसकी बन रही है? पत्थर की। और बहुत आश्चर्य है कि पत्थर से उन्होंने हसिया तक बनाया हुआ है, यहीं पे रखा, इंदौर के केंद्रीय संग्रहालय में जाइए देखिएगा, पत्थर का हसिया, पत्थर के हसिया में लकड़ी का बेंट लगा करके, हसिया सब समझते हैं ना, हसिया, हाँ। तो पत्थर, पाषाण काल। फिर जब ये यहाँ पे सारे साक्ष्य किसके मिलेंगे? पत्थरों के। पत्थरों पे कौन कौन से साक्ष्य मिल सकते हैं? चित्र, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? शैल चित्र, सबसे पुराने यही साक्ष्य, ठीक है। पत्थरों के औजार, जिससे हम लोग अनुमान लगाएंगे किससे कुछ काम करते रहे होंगे, ठीक है। और क्या मिल सकता है पत्थरों का? बस्तियां, गुफाएं, जिन गुफाओं में रहते थे वो गुफाएं, और गुफाओं में यदि चित्रकारी की है तो उसको कहते हैं गुफा चित्र, ठीक। तो गुफा मिल जाएगी ये पत्थरों से। यहां पर क्या कोई सिक्का होगा, कोई मुद्रा होगी? कुछ नहीं होगा, सिर्फ पत्थर होगे। तो पत्थर के बाद इंसान किस पे आता है? पहले तो मान लीजिए पत्थर से खेला, फिर दूसरा लोहे पे बहुत बाद में आता है। पहले आता है किस पे? तांबा पे, है ना, तांबा पे आता है, फिर कांसा पे आता है, ऐसा कुछ है ना। तो पत्थरों के बाद उसको एक तत्व मिल गया, एक धातु मिल गई, और ये कब मिलेगी पता है? कब मिलेगी ये? तब मिलेगी जब आग की खोज कर चुका होगा। इसमें एक बहुत बड़ा काल आता है, नवपाषाण काल, ठीक। पाषाण काल को भी भागों में बांटा गया है, उसमें से ना, पाषाण काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, पढ़े हैं इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो उसमें से एक काल है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस काल में मानव के पास कुछ आधारभूत ज्ञान हो गया। यहीं से शुरुआत होती है होमो सेपियंस मानव की। किसकी? होमो सेपियंस मानव। होमो सेपियंस मानव कौन? हम लोग। तो मतलब हम लोग नवपाषाण काल से होमो सेपियंस ही हैं और कुछ नहीं हुए? मतलब नवपाषाण काल से हम लोग, मतलब नवपाषाण काल की यदि बात करें तो लगभग 10,000 BC, लगभग 10,000 BC है ना। तो वहां से हम लोग केवल क्या हैं? होमो सेपियंस हैं। होमो सेपियंस वो मानव हैं जो सीधे खड़े हो सकते हैं, पहली प्राथमिकता, जैसे हम लोग, पूंछ गायब हो चुकी है, मतलब उसमें कपी वाला लक्षण नहीं रह गया है, और ये सब तो है ही है, ये सब तो पाषाण काल में भी हो चुका था। उसके साथ साथ एक चीज और आ गई है, बुद्धि। क्या? और बुद्धि का मतलब सूझबूझ। सूझबूझ का मतलब ये कि इंसान क्या कैसे करना है ये समझ रहा है, ठीक। पहिया बनाना सीख रहा है, झोपड़ी बनाना सीख रहा है, मतलब वो पक्का पक्का नहीं, मतलब
एक जगह रहना सीख रहा है, स्थायी आवास। आखेटक युग में स्थायी आवास नहीं है, अस्थायी आवास है, चलता हुआ मानव है, कहीं इस नदी के किनारे, कहीं उस नदी के किनारे, और सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही। क्यों? क्योंकि सबसे बेसिक नीड क्या है? पानी, है ना। तो सारी सभ्यताएं आप देखेंगे, जितनी बड़ी सभ्यताएं जन्मी हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, गजला फरात नदियों के किनारे, चाहे भारत की हड़प्पा हो, सिंधु नदी के किनारे, सप्त संधो नदी है ना, चाहे वैदिक सभ्यता हो, कहाँ? नदियों के किनारे। मिस्र की सभ्यता हो, कहाँ? मिस्र की नदी के किनारे, नील नदी के किनारे, है कि नहीं। तो विश्व की जितनी भी सभ्यताएं जन्मी हैं, वो सब कहाँ जन्मी? नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि सबसे बेसिक नीड हमारी क्या है? पानी। पानी है तो वहाँ सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। नदी से लगे हुए जंगल, जंगल से मिलता है भोजन, और पानी दोनों इकट्ठा जहाँ वही सभ्यताएं जन्मेंगी। तो कहने का मतलब हमारा ये कि एक काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डीप में पढ़िएगा, नवपाषाण काल की कहानी समझ में आ जाएगी, तो आज के मानवों की कहानी आपको बड़े आराम से समझ में आएगी। इसमें मानव को बुद्धि मिलती है, सूझबूझ का जो कार्य यहाँ किया गया है, उसके कारण ही विद्वानों ने इस मानव को क्या नाम दिया? होमो सेपियंस, ठीक है, आधुनिक मानव, नया मानव। मैंने कहा था ना कि इंटरवल्स बहुत आते हैं हिस्ट्री में, यहाँ से एक नया इंटरवल शुरू हो रहा है। यहाँ से मानव पत्थरों में, पत्थरों को घिस करके आग लगाना सीख गया है, ठीक। एक पत्थर होता है चकमक, जानते हैं? चकमक पत्थर बहुत ही ज़्यादा जल्दी आग लगाता है, तो चकमक को चकमक से रगड़ेंगे या दूसरे पत्थर से रगड़ेंगे तुरंत आग आ जाएगी। अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आप लोग कहीं मिले तो कर सकते हैं, ठीक। हाँ, वो पहचानना पड़ेगा, सूझबूझ, क्या सूझबूझ, उसकी पहचान होनी चाहिए। पत्थर भी कई प्रकार के होते हैं ना, इग्नाइटेड रॉक्स होते हैं चकमक, तो बहुत जल्दी आग उठती है। तो पत्थरों से आग लगाना सीख गया, पहिया बनाना सीख गया, चलना सीख गया, मतलब रुकना सीख गया एक जगह पर, चलना बंद करके, है ना, मतलब एक जगह पर रहना सीखेगा। और जब एक जगह पर रहना सीखेगा तो निर्भरता शिकार की बजाय कुछ और होगी, किसी और चीज पर। क्या सीखेगा? कृषि, है ना। आप सोचिए कि जब पहली बार इस धरती पर मानव आए रहे होंगे, तो क्या उसको ये ज्ञान रहता रहा होगा कि गेहूं बोकर गेहूं उगाया जा सकता है, चना बोके चना उगाया जा सकता है, आलू बोके आलू उगाया जा सकता है? ये ज्ञान नहीं था। ये क्या रहा होगा? प्रकृति में फल देखते रहेंगे, तोड़ के खा लेते रहेंगे, पत्ते देखते रहेंगे, खा लेते रहेंगे, पत्ते भी खाते थे, ठीक। और चूहा देखते रहेंगे, मार के खा लेते रहेंगे, चूहा भी खाए होंगे, है ना। तो आज जब ये सवाल उठता है कि हम शाकाहारी हैं, तो क्या सच में हम, हमारे पूर्वज शाकाहारी थे? पूरे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, हो भी नहीं सकते हैं। हमारे पूर्वज कभी भी कम्प्लीटली शाकाहारी हो ही नहीं सकते हैं। जंगलों से निकल कर हम लोग आए हैं, इसीलिए हमारे दो दांत पाए जाते हैं किनारे किनारे, केनाइन वाले, वो मांस चीरने के लिए हैं, ठीक है। मैं तो नहीं खाता हूँ, आप लोग में से कोई खाता होगा तो जानते होंगे उसका क्या इस्तेमाल है, तो मांस चीरने के लिए थे। तो कहने का मतलब यहाँ से एक नई चीज़ मानव सीख रहा है, एक नहीं कई चीज़ें। कृषि सीख रहा है, मतलब एक जगह रुक करके अनाज से अनाज पैदा करना सीख रहा है, ठीक। कुछ दाने मिले होंगे उसको, अभी भी बहुत सारे प्रकृति में ऐसे दाने आपको मिल जाते होंगे खेतों में, जिसको आपने नहीं बोया तब भी उग रहे हैं, है ना। खरपतवार जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत सारे हमारे फसल के साथ साथ उगने वाले फसल, चारा घास जो होता है, अभी उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं जानते हैं। हो सकता है कि भविष्य में जो घास हम पशुओं को खिलाते हैं वो हमारे काम आ जाए, हम ही खाने लगे, हो सकता है ना, उसी घास की सब्जी बना के हम लोग खाने लगे। खाते भी तो हैं बहुत सारी भाजियां, हम लोग पालक खाते हैं, बन पालक नहीं खाते, भाजियां खाते हैं बहुत सारी, चना की भाजी खाते हैं हम लोग, है ना। तो हो सकता है कि जो घास अभी काट के आप पशुओं को डाल देते हैं, खाद्य संकट इस तरह से आए कि हम लोग भी खाने लगे, वो तो अगली सूझबूझ होगी। पर यहाँ जो सूझबूझ, ध्यान रखना, कृषि, आग, ठीक है, और स्थायी निवास, निर्भरता शिकार से लेकर के कृषि की ओर, और पहिए की खोज, ये सब कहाँ हो रही है? नवपाषाण, नवपाषाण काल में नहीं हो रही, वो सब उस काल में हुई, इसीलिए उसको नवपाषाण काल कह दिया गया, ठीक। पहिए किसके बनेंगे? लकड़ी के या पत्थर के? पत्थर के पहिए बनेंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे अनाजों को पीसने में, चक्री, चक्री बनाने में, ठीक है। बनाए पहिए बहुत सारे, आप इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जाएंगे तो देखेंगे वहां पे बहुत पुरानी पुरानी चक्कियां रखी हुई हैं, आपके घर में भी रखी है, पर वो नवपाषाण काल की नहीं, ठीक। तो जब उनको ज्ञान हो जाएगा, हाँ, और ये सारे ज्ञान है कहाँ पे? ये सारे ज्ञान प्रकृति से सीख रहे हैं, वो किससे सीख रहे हैं? हमने हेलीकॉप्टर बनाना सीखा किससे? प्रकृति से। पक्षी उड़ते हैं, मतलब कुछ उड़ाया जा सकता है आसमान में, ठीक। लाइट होती है, मतलब लाइट को इस तरह से लगाया जा सकता है। हमने सारे पुट कहाँ से सीखे हैं? प्रकृति से। प्राकृतिक घटनाओं को हमने थोड़ा बहुत सीख सीख करके कुछ नई चीजें बना दी हैं।
ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं है जो प्रकृति में ना हो, जो हमारे द्वारा जनरेट किया गया है, सब प्रकृति में है। बस उसको परसीप्स करने की जरूरत है, उसको ग्रहण करने की जरूरत है। जितना हमारे पूर्वजों ने ग्रहण किया उतना विकास हुआ, अब जितना ग्रहण कर पा रहे उससे उतना विकास हो रहा है ना, समझ पा रहे इस बात को? ठीक, तो ये हो गया बुद्धि का काम। जब यहाँ पे बुद्धि इंसान की आ जाएगी तो यहाँ के बाद का जीवन जो होगा ना वो बदल जाएगा, है ना। कोई भी क्या तांबा सीधे ऐसे ही मिल गया होगा कि ये लो तांबा पड़ा है ले जाओ इस्तेमाल करो? नहीं, तांबा मिलता है अयस्क के रूप में, अभी भी मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? जितनी भी धातुएं हैं वो सब हमको किस रूप में मिलती हैं? अयस्क के फॉर्म में मिलती हैं, मतलब मिट्टी के साथ मिली होती हैं, उसी को अयस्क कहते हैं। ठीक है ना, अयस्क की परिभाषा ये है कि ये मिट्टी है और इस मिट्टी में कुछ तांबे के तत्व मिले हुए हैं, तो ये अयस्क है, अयस्क के फॉर्म में मिला होगा। तो इस अयस्क से तांबा निकालने की जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और वो कैसे निकलेगा? गर्म करके। कैसे निकलेगा? सोचो, एक होता है ना, आप लोगों ने दसवीं में पढ़ रखा होगा वात्या भट्टी, पढ़ा है ना भट्टी। भट्टी में क्या करते हैं? निष्कर्षण, समझ रहे हैं ना ये शब्द? तो ये आप खुद सोचिए कि मिट्टी के साथ कुछ लोहा या तांबा जैसा कुछ तत्व मिला, आप उसको कैसे अलग करेंगे? कैसे अलग करेंगे? इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है केमिस्ट्री का एक टॉपिक, गलनांक होता है कुछ। आग जलाएंगे, मान लीजिए जहां पर इन्होंने पहली बार आग लगाई हो, ठीक, वहां पे तांबे के तत्व रहे हों, तो क्या होगा? सारे तांबे के तत्व आग के कारण जुड़ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और जब आग बुझ जाएगी तो इकट्ठा उनको इतना बड़ा मिल गया होगा। ऐसे मिलता है ना, आज भी ऐसे मिलता है। आज भी तांबा लोहा सोना जो भी मिलते हैं वो सब खदानों से अयस्क के फॉर्म में ही निकाले जाते हैं। तो पहली बार मानव को ये ज्ञान अपने से नहीं हुआ होगा, जहां आग लगी होगी वहां कुछ ऐसे मिल गया होगा और उन्होंने सोचा होगा ये आग के कारण बंधा हुआ है। तब ये क्या करेंगे? अब ये मिट्टी खोदेंगे, ठीक, और उसको आग में डाल देंगे या आग का भट्टी बना लेंगे और उसमें आग जलाएंगे तो तांबा के सारे तत्व इकट्ठा हो जाएंगे और जब आग ठंडी होगी तो इकट्ठा तत्व उनको मिल जाएगा, तांबे की खोज हो गई। ठीक, आई बात समझे? तो ऐसे खोज हुई किसकी? तांबे की। तांबा मिल गया, फिर क्या मिलता है? कांसा। क्या मिलता है? कांसा। कांसा क्या है? किसकी? हाँ, टिन का, तांबे के साथ। टिन का तांबे के साथ, टिन की ज्ञान नहीं है, तांबा उनको मिल गया। लेकिन समस्या क्या है? हम लोग जानते हैं कि तांबा में एक समस्या है। तांबे के बर्तन देखे हैं? तांबा जो होती है, तांबा या सोना कोई भी हो, तांबा मुख्य रूप से, तांबा यदि शुद्ध है तो मुलायम है, सॉफ्ट है, मुड़ जाएगा। ठीक, तांबे के साथ यदि टिन मिल जाए तो वो कांसा बन जाता है और टिन होता है कठोर, भंगुर। भंगुर समझते हैं? पटकने पे जो टूट जाए वो भंगुर, ठीक, और मोड़ने पे जो मुड़ जाए वो मुलायम। ठीक, केमिस्ट्री में आप लोगों ने दसवीं में पढ़ा होगा, दसवीं तक की साइंस, तो एक गुण होता है भंगुरता, एक गुण होता है तन्यता, है ना। तन्यता में कोई भी चीज़ खींची जा सकती है और खींचती जाएगी और तार बन जाएगा, कॉपर के वायर देखी होंगी ना। और भंगुरता का मतलब होता है जैसे आपने खड़िया या चाक लिया और इसे गिराया तो टूट गया। तो टिन बहुत टाइट होता है लेकिन भंगुर होता है, तांबा मुलायम होता है। ठीक, तांबे से वो क्या कर सकते हैं? तांबे से वो कर सकते हैं कि उनका एक, मान लीजिए लाठी है, डंडा है, तो इस पर वो लकड़ी के ऊपर तांबे की परत चढ़ा के मोड़ के बना लेंगे। ठीक है, देखा होगा कुछ लोगों को, आप लोगों ने ऐसा किए होंगे ना। या वो क्या कर सकते हैं, किसी पत्थर पे मोड़ के लगा लेंगे और उसको सुंदर बना लेंगे। लेकिन कोई उससे धारदार चीज नहीं बना सकते, कोई उससे मजबूत चीज नहीं बना सकते। ठीक, तो उसके लिए जरूरत उनको किसकी थी? टिन की। टिन खोजने नहीं गए, वो वही मिट्टी में मिल गया उनको। वो शायद वो तांबा का तांबा नाम ना जानते रहे हों, ठीक, टिन का टिन नाम हम लोग जानते हैं, वो ना जानते रहे होंगे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि इसके साथ कुछ मिक्स किया जाए तो एक ऐसी धातु बने जो कठोर भी हो, मतलब मुड़ भी जाए और टूटे भी ना, है ना। तो इन दोनों लक्षणों को एक साथ मिला दीजिए, एक कठोरता में माहिर है और एक मुलायम है जो मुड़ सकता है, दोनों को मिलाएंगे तो भंगुर भी नहीं रहेगा और मुड़ भी जाएगा। और ऐसी ही धातु की खोज है किसकी? कांसे की। और फिर हर जगह कांसे का इस्तेमाल किया जाने लगा, कांसे के बर्तन, कांसे के औजार, है ना, सारी चीजें किसकी? कांसे के गहने। पहले तो पत्थर के गहने पहने होंगे कुछ दिन, फिर महिलाओं को लगा होगा कि नहीं ये गहने भारी हैं,
कुछ और खोजो, तो पुरुषों ने खोज की होगी, महिलाएं ने खोज नहीं की होगी, ऐसे क्या? हम कुछ नहीं कह सकते भाई, इस पे नॉलेज अधूरा है कि किसने क्या खोजा है ना, मिलके खोजे होंगे ऐसा भी हो सकता है हाँ, पर आज की स्थिति देख के तो यही अनुमान लगाया जाएगा। फिर बढ़िया चमचमाते, ये तो चमचमाता हुआ रहेगा, ये भी पत्थरों की अपेक्षा अच्छा लगेगा। तो आप देखेंगे जनजाति संस्कृति में तांबा, पत्थर और कांसे, इन तीनों का बहुत महत्व है, ठीक है ना। इनका एक गुण ये है कि जिस आकार में चाहेंगे उस आकार में गर्म करके बना लेंगे, लेकिन पत्थर में नहीं बनेगा, है ना। ये कैसे हो पाया? ये बुद्धि के खोज, यही सूझबूझ है, यही सूझबूझ है। इसी के इस्तेमाल करके वो क्या करेंगे, सारे बर्तन आप देखेंगे बड़े बड़े बर्तन बनने, वो सब किसके बनने हैं? तांबे के, कांसे के, है ना, मुख्य रूप से कांसे के। तांबे के उतने बड़े नहीं है ना, तांबा मुलायम होता है, जल्दी पिचक जाएगा, दबाव डालेंगे तो टूट जाएगा, इसलिए कांसे की। तो जहां से कांसा शुरू होता है उस युग को कांस युग, जहां तक तांबा था उस युग को ताम्र युग, है ना। जहां तांबा पत्थर, चूंकि तांबा का अकेले इस्तेमाल नहीं होगा, पत्थर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ताम्र पाषाण काल, क्या कहेंगे इस्तेमाल, केवल ताम्र युग नहीं कहते उसको, क्योंकि तांबे का अकेले इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, पत्थर के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसको नाम दिया गया क्या, ताम्र, मतलब तांबे के साथ साथ क्या, पत्थर, ताम्र पाषाण काल, ठीक। नागदा कायथा संस्कृतियां जो हमारे यहां मध्य प्रदेश में है, ठीक, क्लियर। तो कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा। हड़प्पा वो संस्कृति है, हड़प्पा वो सभ्यता है जहां पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया, कांसे का, और यहीं से हमारा इतिहास शुरू होता है, हड़प्पा सभ्यता से। इसके पहले तो सब प्रागैतिहासिक है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। प्रागैतिहासिक काल को आप कितने भागों में बांटते हैं? प्रागैतिहासिक को जनरली पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, मतलब पाषाण काल का नाम से जाना जाएगा। पाषाण काल आएगा तो एक भाग होगा पूरा पाषाण काल, दूसरा भाग होगा मध्य पाषाण काल, मध्य और पूरा के बीच एक अंतर होगा, ठीक। पूरा पाषाण काल में बड़े औजार बनेंगे, मध्य पाषाण काल में उससे छोटे औजार बनेंगे, ठीक। और फिर आएगा नव पाषाण काल, नव पाषाण काल में सारे औजार विवेकपूर्ण होंगे, ठीक, मतलब केवल ऐसा समझ लीजिए कि उसमें हत्था लगाना सीख जाएंगे, हसिया जैसे औजार बनाना सीख जाएंगे, स्थायी आवाज सीख जाएंगे, तो पाषाण काल समाप्त होगा। फिर आएगा क्या, ताम्र पाषाण काल, तांबे का इस्तेमाल, तांबा प्लस पत्थर। फिर आएगा क्या, तांबे को, तांबे के साथ पत्थर हटा देंगे, टिन जोड़ करके कांसा बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा पूरा, कांस्य युगीन सभ्यता। कांसे की विशेषता यह है कि वो कठोर भी है, मुड़ भी जाएगा, टूटेगा नहीं, तो उससे बड़े बड़े बर्तन बनाए जा सकते हैं। तो कभी आपसे सवाल पूछ ले इतने से कॉन्सेप्ट से कि क्या कारण है, मान लीजिए इंटरव्यू में पूछ ले कि क्या कारण है कि बताइए तांबे के बर्तन की बजाय कांसे के बर्तन ज़्यादा मिलते हैं, ठीक, तो तांबे के बर्तन ज़्यादा नहीं आपको किसके मिलेंगे, कांसे के। बड़े बर्तन जितने मिलेंगे, बड़े औजार मिलेंगे, किसके मिलेंगे, कांसे के मिलेंगे, ठीक है। तांबे के मिलेंगे ऐसा नहीं है, पर छोटे मिलेंगे, बड़े नहीं मिलेंगे, बड़े औजार नहीं मिलेंगे, बड़े बर्तन नहीं मिलेंगे, कांस हो गया। कांसे के बाद हमारे यहाँ भारत में और लगभग हर जगह ये पैटर्न चला है, मिलता है लोहा। जब इंसान इस चीज़ को सीख गया कि मिट्टी को गलाने पर कुछ धातुएं मिलती हैं, तो मिट्टी गलाना सीख जाएगा वो, और इस प्रकृति ने इस पृथ्वी पे सब कुछ दे रखा है, तांबा भी है, सोना भी है, चांदी भी है, एल्युमिनियम भी, सब कुछ है, बहुत सारे आयस किसी में न मिले हुए हैं। तो क्या करेंगे, वो उस मिट्टी की खोज करेंगे जहाँ इससे बेहतर धातुएं मिल जाएं। इसके साथ समस्या क्या है, कांसे के साथ, कांसे के साथ समस्या यह है कि बहुत कठोर औजार नहीं बनाए जा सकते, ठीक, क्योंकि उसमें तांबा मिला हुआ है और तांबा मुलायम करता है, तो बहुत कठोर औजार किसके बनेंगे, लोहे के, किसके बनेंगे, लोहे के। तो एक बार इनको लोहा का इतना भी टुकड़ा यदि मिल गया होगा कहीं, कील भी मिल गई होगी, और इन्होंने देख लिया होगा कि ज्यादा कठोर है अपेक्षाकृत जो हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या खोजना शुरू कर देंगे, ये हर जगह लोहा खोजना शुरू करेंगे। और लोहे की खोज ऐसे ही हुई है, और जब एक बार लोहा गला लेंगे और देखेंगे तो बड़ी अच्छी सरिया मिल गई, बड़ा अच्छा कठोर सा टुकड़ा मिल गया लोहे का, फिर हर चीज जो नवपाषाण काल में उन्होंने सीख रखा था पत्थर से बनाने का, वो वही हर चीज किसकी बनाएंगे, लोहे की बनाएंगे। औजार सारे किसके बनेंगे, लोहे के। तो लोहे के औजार बनेंगे भाले, कुदाल, हसिया, ये सब किसके मिलने लगेंगे, लोहे के। पहिया अभी तक इन्होंने पत्थर का बनाया, लकड़ी का बनाया, आप किसका बनाएंगे, लोहे का। और लोहे का वो मजबूत पहिया बनाएंगे जिससे रथ बनाया जा सके, है ना, पहले पत्थर की पहिया घिसला रहे थे, ठीक,
तांबे की पहिया नहीं मिलेंगे कहीं, तांबे की पहिया आया है ना ताम्रपाषाण, लेकिन तांबे की पहिया आपको नहीं मिलेगी। पहिए में तांबा कहीं शोभा के लिए लगा दिया गया हो अलग बात है, पर पहिया नहीं मिलेगी तांबे की। कांसा इतना पर्याप्त नहीं है कि उसकी पहिया बना सके, तो पहिए की कांसे की नहीं मिलेंगी। लेकिन लोहा पर्याप्त था तो पहिया मिलेगी, तो किसके मिलेगी, लोहे की पहिया मिलेगी। और लोहे की पहिए का इस्तेमाल क्या किसमें करेंगे, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी इनके पास। नवपाषाण काल में जब ये रहना सीखे एक जगह पर, तो इनको समझ में आया कि पशु महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, पशु क्या काम कर सकते हैं इनके साथ। एक पशु जो बहुत पहले से है इंसान के साथ, वो है कुत्ता, जानते हैं। एक जगह भारत में मिली है सिंधु सभ्यता की, जहां पे कुत्ते को मानव के साथ दफनाया गया है। क्या, कौन सी जगह है? नहीं, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में नहीं मिला है कहीं ऐसा। भारत में बुर्जा होम, कहां बुर्जा होम, सुने हैं ये नाम, ये बुर्जा होम कश्मीर में है। हाँ, बुर्ज होम कहीं, बुर्जा होम एक ही बात है। ठीक, तो वहां पे कश्मीर में है, वहां पे कुत्ते के साथ मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। इसका मतलब साथी रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब ये स्थाई एक जगह पे रहना सीखेंगे, तो ये सीख जाएंगे पशुपालन, तो अभी शिकारी हैं, फिर नवपाषाण काल से क्या हो जाएंगे, पशुपालन सीख जाएंगे। पशु क्यों, क्योंकि खेती करेंगे। ठीक, और इन्होंने ऑब्जर्वेशन से देखा है कि पशु बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आसान कर सकते हैं। क्या क्या आसान कर सकते हैं, यदि आपने गाँवों में कभी कृषि की है, टेक्नोलॉजी आने से पहले, ट्रैक्टर आने से पहले, तो आप समझ जाएंगे कि पशु आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे। किया है, हाँ, पशु खेत की जुताई से लेकर के अन्न निकालने तक हर जगह काम आते हैं, और कुछ तो अन्न के बाद भी काम आते हैं, तेल निकालने में, कोल्हू का बैल सुने हैं, तो तेल निकालने में काम आ रहा है। हाँ, तो पशु इंसान के लिए महत्वपूर्ण हुआ नवपाषाण काल से, कहाँ से, और पशुओं के माध्यम से इन्होंने बैलगाड़ी बनाना सीख लिया। इंसान ने क्या सीख लिया, बैलगाड़ी। इंसान ने सीख लिया क्या, ये तो पहले भी था, रथ बनाना सीख लिया। नया क्या सीखा, रथ। लोहा मिल गया, पशु था ही इनके पास, ठीक, ये पहिया बना ही सकते थे, तो क्या बना लेंगे। तो कभी आपसे पूछे कि इतिहास में आपको रथ कहाँ देखने को मिलता है, तो रथ कहाँ मिलेगा आपको वैदिक काल में, कहाँ। रथ क्या है और बैलगाड़ी क्या, अंतर समझ में आता है क्या, क्या अंतर समझ में आता है, पहला अंतर ये है घोड़ों का इस्तेमाल, ठीक है ना, हाँ घोड़ों का इस्तेमाल। और एक अंतर ये भी है कि रथ के पहिए लोहे के होते हैं, ठीक, उसमें लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बैलगाड़ी में जो पहिए बनते थे वो लकड़ी के बनते थे, लोहे के नहीं, जनरली लोहे के नहीं। ठीक, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ से एक नया लक्षण देखने को मिलता है, और इस नए लक्षण को हमारे यहाँ क्या कहा गया, वैदिक काल। अब वैदिक काल इसलिए नहीं कहा गया कि यहाँ से लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, पशु सीख गए हैं, रथ आ गए, इसलिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मानव ने लिखना सीख लिया था, है ना, और उन्होंने वेद लिखे, इस काल के मानव ने भारत में वेद लिखे। ठीक, वैदिक काल के आसपास का ही एक ग्रंथ ईरान में मिलता है, जिंद अवेस्ता। क्या, जिंद अवेस्ता, ठीक है, ये यहूदी ग्रंथ है, यहूदी ग्रंथ, ये कहाँ मिलता है आपको, ईरान में मिलता है। तो लगभग ये मान के चलिए कि 1500 के आसपास का, 1500 BC के आसपास का समय है जब मानव ने कुछ लिखना सीख लिया होगा, ठीक है। हालांकि यह बात शुद्ध रूप से प्रमाणित इसलिए नहीं है कि क्या मानव ने लिपिबद्ध करके वैद लिखे, या फिर मानव ने सिर्फ श्रुति आधारित वेद लिखे, दोनों में अंतर है। श्रुति का मतलब होता है कि हमने कुछ लिखा आपको सुनाया, मतलब लिखा क्या, बनाया, कविता बनाया और आपको सुनाया, ठीक, और वो कविता आप अपने शिष्यों को सुनाते रहे और वो चलता रहेगा। लिखा कहीं नहीं गया, वेद कहीं नहीं लिखा गया, जहां तक वैदिक जानकारी, वो लिखा कहीं नहीं गया, लिपियां थी पर वो स्पष्ट रूप से श्लोक लिखे नहीं गए हैं। क्या किए गए हैं, श्रुति आधारित, हमने कुछ जनरेट किया है श्लोक पर, वो आपको सुनाया है, आपके पास वो ज्ञान है, आप अपने शिष्यों को सुनाएंगे, वो अपने शिष्यों को सुनाएंगे, ऐसे ऐसे चलता रहेगा।
तो इसको कहते हैं श्रुति आधारित, श्रुति आधारित वेद लिखे गए। क्लियर? इसको कहते हैं आपके जो वेद थे इस काल में कैसे थे, श्रुति थे, लेकिन इतिहास के दृष्टिकोण से लिखित साक्ष्य, समझना, अभी तक जितने साक्ष्य मिले हैं वो सब कैसे थे, पत्थर पे थे, गुफाओं पे थे, औजारों पे थे, है ना। अभी हमने कहीं नहीं बताया कि आपको लिखित स्मारक मिला है, वो आपको कहाँ से मिलेगा, मौर्य काल से मिलना शुरू होगा, अशोक के काल से, स्तंभ, है ना। अभी आपको वेद मिल रहा है श्रुति आधारित वेद, लिखित कोई किताब नहीं मिल रही है, किताब मिल भी नहीं सकती 1500 BC में आपको, श्रुति आधारित। पर हाँ, मानव क्या कर रहा है, उसका कल्चर क्या है, क्या कैसे करना है, ये सब उन श्लोकों में भरा पड़ा हुआ है ना। कथा होती है ना, कथा भागवत, घर में एक पंडित जी आते हैं, बड़े बड़े मंत्र पढ़ा सुनते हैं उनसे आप, और उनको कंठस्थ है ना, पोथी नहीं लिए रहते तब भी पढ़ लेते हैं, ऐसे ही चलता रहा है। इसी परंपरा को तो उपनिषद कहा गया, गुरु के साथ बैठ करके शिष्य को ज्ञान दिया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। तो गुरुकुल में करते क्या थे, गुरुकुल में यही करते थे, शिष्य को रटाते थे, और रटा हुआ दिमाग में होता था, ठीक, वो कहीं भी रहेगा बोलेगा वो, कोई लिखी किताब नहीं थी, और लिखी किताब होती तो शायद वैदिक संस्कृति अभी तक समाप्त भी हो जाती। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इतने सारे आक्रमण हुए और सबने हिंदू धर्म को समाप्त करने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें जलाई गई, है ना, लेकिन उसके बाद भी हिंदू धर्म यदि बचा रहा तो सिर्फ इसलिए बचा रहा कि सारे वैदिक मंत्र पता नहीं कितने पंडितों के सिर में थे, सारे वैदिक मंत्र वो लेके घूम रहे थे अपने साथ। अब आप एक को मार दोगे लेकिन सभी को तो नहीं मार सकते। यही कारण है कि हमारी वैदिक संस्कृति पे इतने सारे आक्रमण होने के बाद भी वो नष्ट नहीं हुई, वो सारे मंत्र थे, और जैसे लिपि आई तो उसको लिख दिया गया, और लिखा गया ये 1st BC में, 1st AD के आसपास, मतलब शुंग काल में, पहली बार जब लिखा गया तो शुंग काल में लिखा गया, उसके पहले सब श्रुति आधारित चल रहा था। आई बात समझ में? तो देखो, साक्ष्य की हम लोग बात कर रहे थे, ये सब साक्ष्य होते हैं, ठीक, जहां से पहली बार लिपि आई वो है आहत सिक्के, कहां से आए होंगे, सिक्कों पे चित्र बनाने की परंपरा, तो ये भी पिक्टोग्राफ था, लिपि नहीं, अभी पिक्टोग्राफिक है। पिक्टोग्राफ का मतलब समझ रहे हैं ना, क्या कुछ लिखा गया है लेकिन चित्र के माध्यम से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पिक्टोग्राफ कहेंगे। तो एक तो पत्थरों पर, गुफाओं पर, औजारों के माध्यम से, यहाँ से हम इतिहास जानते हैं, सिक्कों के माध्यम से, ठीक है ना, आहत मुद्राओं के माध्यम से, जैसे हम लोग जानते हैं कि एक मुद्रा मिली हुई है सिंधु सभ्यता में, मुद्राओं के माध्यम से, हमारे बर्तन औजारों के माध्यम से, और फिर उसके बाद श्रुति आधारित नॉलेज, फिर उसके बाद लिखे हुए नॉलेज, है ना, स्तंभ, शिलालेख, ये सब इतिहास को जानने के साक्ष्य होते हैं, जिसके आधार पर ये अनुमान लगाया जाता है कि इंसान क्या करता रहा होगा। मान लेते हैं कि बाढ़ आए, भूकंप आए और ये क्लास दब जाए, ठीक ठीक है ना, और नष्ट हो जाइए, ये पूरी कोचिंग जगत की सृष्टि जो है इंदौर में नष्ट हो जाए, ठीक, यहाँ बस्तियाँ जो हैं वो दब जाएँ, तो हमारे मतलब जो अगल बगल के और भी लोग बचे रहेंगे, कुछ खोजते खोजते यहाँ पहुँचेंगे, हाँ, तो क्या करेंगे, खुदाई करेंगे, ये दबा होगा ना, बहुत सारी बाढ़ आई, भूकंप आया, तो बहुत सारी सभ्यताएँ दब गईं, और आप लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई अलग अलग काल में हुई, तो खुदाई का क्या मतलब हुआ भाई, खोदने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उसमें मिट्टी दब गई और बहुत नीचे दबती चली गई, समय समय पर उस पर परत चढ़ती गई, है ना, और ऐसा यहाँ भी हो जाए, हाँ, तो जो कुछ इंसान बचे रहेंगे, जो इंदौर के, नींद आ रही है, रात में आप लोग सो लिया करें, हमने यहाँ ये देखा है कि बच्चे रात में 3 बजे भी नहीं सो रहे हैं, 4 बजे भी नहीं सो रहे हैं, अरे रात में सोएंगे नहीं तो नींद तो आएगी आएगी, ठीक, और ये पूरी संस्था दबी रहे, फिर कोई इतिहासकार खोते खोते यहाँ पर आएगा, ढूंढते ढूंढते, तो इंदौर शहर की भंवर कुंवर ये हो सकता है, ये भी ऐसे कुछ मिल जाए टूटा फूटा, ये मिल जाए, हम लोग भी मिल सकते हैं, हड्डियाँ अस्थियाँ मिलेगा ना, तो वो क्या अनुमान लगाएगा, इनको देख के ये समझेगा कि यहाँ पे बैठते रहे होंगे, बैठका था ये, है ना, जैसे भीम बैठका, कुर्सियों पे हत्था किस लिए इस्तेमाल होते थे, कुछ रखने के लिए काम आता रहा होगा, ये किस लिए काम आता रहा होगा, ये अनुमान लगा रहा है वो इतिहासकार जो 50 साल बाद, 100 साल बाद या 500 साल बाद दबा हुआ ये खोजेगा इंदौर शहर, तो वो ये अनुमान लगाएगा ये यहाँ भी है, बगल वाली भी कोचिंग में है, बगल वाली कोचिंग में भी है,
पूरा भंवर कुआं खोद डालेगा वो, और खोदने के बाद उसको ये पता चलेगा कि यहाँ शायद कोचिंग चलती रही हो, यह अनुमान लगाएगा ना, ठीक। और जितना आपकी नोट्स में लिखा है वो मिल गया और वो दृश्य ने पढ़ लिया, तो पता चल जाएगा कि पीएससी की तैयारी होती थी यहाँ, तो जाके अपनी किताब में लिखेगा, जैसे प्लिनी ने लिखा, जैसे बर्नी ने लिखा, मतलब बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा कि इंदौर शहर की खुदाई में हमें लगभग 10-20 हज़ार कुर्सियाँ मिली हैं संख्या, हाँ कुर्सियों के आकार इस तरह से होते थे, हाँ इनका हत्था देख के लगता है कि इस पे लोग बैग रखते रहे होंगे, कापियाँ रखते रहे होंगे, कहीं मान लीजिए कॉपी रखना ना, उस तरह से कुर्सी मिल जाए, इस तरह से टेबल बेंच मिल जाए, तो वो सब लिखेंगे कि एक ही प्रकार की कुर्सी नहीं होती थी, कुर्सियों के साथ कुछ में हत्थे लगे होते थे, कुछ में हत्थे नहीं लगे होते थे, कुछ कुर्सी आगे से खुलती थी जैसे उनकी खुलती है ना, कुछ कुर्सी, ये सब लिखेगा वो इतिहासकार। और डिजिटल बोर्ड के बारे में लिखेगा, कुछ जगह उस प्रकार के बोर्ड पाए गए, कुछ जगह इस प्रकार के बोर्ड पाए गए, है ना, इस प्रकार के बोर्डों को देख के लगता है कि उस समय डिजिटल क्रांति आ चुकी थी, यही सब अनुमान लगाया जाएगा। और यही सब हम लोगों ने किया उनके बारे में जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो जब आप हड़प्पा पढ़ते हैं तो हड़प्पा के बारे में यही ना सब पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को खुदाई हुई, यहाँ एक बृहद स्नानागार मिला, स्नानागार को देख करके ये लगता है कि यहाँ स्नान करते रहे होंगे लोग, लेकिन इतना बड़ा स्नानागार है और एक व्यक्ति के लिए तो नहीं बनाया गया होगा, तो यह देख के लगता है कि सामूहिक स्नान होता रहा होगा यहाँ, ठीक। फिर वहीं पे कुछ यज्ञ कुंड जैसे कुछ मिल गया होगा, यज्ञ वेदी जहाँ पे हम लोग हवन करते हैं, तो किसी इतिहासकार ने कहा होगा कि यहाँ रोज स्नान नहीं करते रहे होंगे, जब यहाँ यज्ञ होता रहा होगा तब स्नान करते रहे होंगे, हाँ ऐसे ही मान लेते हैं कि अनाज रखने का जो क्या कहते हैं उसको, अन्नागार मिला है ना, कोठार उसको बोला जाता है, तो अन्नागार देख के यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ बहुत, चूंकि वहाँ बहुत सारे परत दर परत बने हुए हैं, रैक रैक बने हुए हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा अनाज रखा जाता रहा होगा। बड़े बड़े बर्तन मिले तो देख के लगता रहा होगा कि ये इतने बड़े बर्तन उठाता कौन रहा होगा, इसका मतलब इंसान भी हष्ट पुष्ट होते रहे होंगे। सारी चीज़ें हम कहाँ से, अनुमान से लगा रहे हैं, ठीक। तो इतिहास में हमारी वस्तुएँ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी एक साक्ष्य है, ठीक। हम इतनी बड़ी तांबे की गिलास इस्तेमाल कर रहे हैं पानी पीने के लिए, जिससे सीधा अनुमान लगाया जा सकता है कि हम थोड़ा सा बलवान होते थे। आज खोज मतलब आज के बारे में यदि खुदाई होगी तो कौन सा युग निकल कर आएगा, प्लास्टिक युग। हमारे घर के सारे बर्तन प्लास्टिक, ठीक, प्लास्टिक क्रॉकरी है ना, या तो प्लास्टिक है या तो क्रॉकरी है, हमारे पास लोहे की बाल्टियाँ नहीं हैं, सबके घर में लगभग प्लास्टिक के टब और बाल्टियाँ होंगी, है ना, तो नाम देगा ये प्लास्टिक युग था, लोहा तो समाप्त हो गया, लोहा कहीं मिलेगा नहीं। आप याद करिए कि आखिरी बार बड़ी बड़ी बाल्टियाँ आपके घर में कब थी, अभी तो मुझे नहीं लगता कि होंगी, है तो अच्छी बात है, हाँ स्टील की होंगी, लोहे की नहीं है ना, बड़े बड़े गगरे बनते थे इतने बड़े बड़े, है ना, वो हैं क्या, नहीं रहेंगे, अच्छा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अपवाद है, लेकिन सार्वभौमिक दृश्य से देखेंगे तो सबके यहाँ क्या है, फाइबर क्रॉकरी प्लास्टिक, क्यों भाई, क्योंकि आबादी इतनी हो गई कि उतना लोहा नहीं निकाल सकते हैं, इतने सारे बर्तन आप घर संसार में ही बगल में देखेंगे, सब किसके पड़े हुए हैं, प्लास्टिक क्रॉकरी, हम लोग क्रॉकरी के बर्तन इस्तेमाल करना भी शौक समझने लगे हैं, हाँ जो आपके पास डिनर सेट के बड़े बड़े क्रॉकरी के प्लेट या रखे होंगे बर्तन, उनको स्पेशल टाइम पे निकाला जाता है, हाँ स्पेशल टाइम मतलब हमारा सबसे महत्वपूर्ण, आपको भी नींद आ रही है, रात में सो लिया करो भाई, का है मोबाइल देखते रहते हो, कहने का मतलब ये है कि हमारे घरों के आज की स्थिति को देख करके कोई भविष्य में इतिहासकार अनुमान लगाएगा तो प्लास्टिक युग ही निकल कर आएगा, है ना, लौह युग कांस्य युग अब नहीं मिलने वाला है, हाँ और वो भी लिखेगा कि विशेष अवसरों पर जब अतिथि आते थे तो क्रॉकरी के बर्तन, थोड़ा क्रॉकरी क्या होता है, चीनी मिट्टी है, ठीक है, चीनी मिट्टी है या तो कुछ हड्डियां भी होती हैं उनको गला के बनाया जाता है, तो इसके बर्तन इस्तेमाल करते थे और इसके बर्तन इस्तेमाल करना क्या शौक समझा जाता था, विशिष्ट अवसरों पर इस्तेमाल होता था। तो ये सब जितने आप लोग देखते हैं ना, चाहे वो गिलास मिली हो, चाहे बर्तन मिला हो, चाहे वो पीतल मिला हो, चाहे वो चक्री मिली हो, चाहे कुछ भी आप देखेंगे संग्रहालय में जाके, तो इतनी इतनी बड़ी चीज़ें सहेज के रखे हुए हैं संग्रहालयों में, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, वो क्या है, साक्ष्य। तो
तो इतिहास में साक्ष्यों का विशिष्ट महत्व है और साक्ष्यों के माध्यम से ही हम लोग अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अभी हमने जो चर्चा की है वो प्रागैतिहासिक से हड़प्पा सभ्यता तक की बात है। हड़प्पा सभ्यता मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के इंसान कुछ चीज़ें अच्छे से सीख गए थे, सिस्टमेटिक तरीके से घर बनाना सीख गए थे और वो घर बहुत ज़्यादा डेवलप बना रहे थे। उनके घर में शौचालय और बाथरूम, मतलब सॉरी क्या नाम है आपका, किचन, अलग अलग कमरे और घर के सामने चौकोर सड़कें, वो सब होती थी। इसका मतलब वो नगरी सभ्यता थी। नगर मतलब यही इंदौर आपका, आपका गांव नहीं, ये नगरी सभ्यता का उदाहरण है। यहाँ एक सड़क से निकलेंगे तो आप देखेंगे, हालांकि यहाँ तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं दिखता है, पर सड़कें सब कैसी बनी होंगी, ये चौराहा, ये एक सड़क, ये एक सड़क, ये एक सड़क, फिर ये एक दूसरी मोहल्ले की सड़क, ये सड़क, यहाँ पे घर, ऐसे ना, ये सड़क है, ये घर है, ये घर है, ये सड़क है, ऐसे। गांव कैसे बनते हैं? गांव ऐसे नहीं बनते बेटा, गांव बस्तियाँ ऐसे बनती हैं, है ना? हाँ, गांव की बस्तियों में एक का घर यहाँ पे है, यहाँ पे दूसरे का घर यहाँ पे है, तीसरा यहाँ बना रखा है, चौथा यहाँ बना रखा है, पाँचवा यहाँ बना रखा है और सड़क कहीं नहीं है। सड़क एक यहाँ से गुजरती है, फिर आप यहाँ से बस से उतरेंगे तो आप यहाँ चले जाएंगे, फिर एक छोटा सा गैला ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये गांव होता है, ऐसे है ना? मेरा तो ऐसे ही भाई, जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव, तो ऐसे ही जाना पड़ता है। आप लोग यदि बहुत विकसित नगर से नहीं हैं तो गांव लगभग सबके ऐसे ही हैं, मेड़ समझते ना, मेड़ों से होके गुजरना पड़ता है। बहुत सरकार ने प्रयास किया तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उसको जोड़ने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति का घर जुड़ जाए, पर व्यक्तियों ने घर ही ऐसे बना रखे, कहाँ कहाँ जोड़ेगा सरकार, कहाँ कहाँ जोड़ने जाएगा? लाइट आपको यहाँ कहाँ मिलेगी? यहाँ पे एक पोल खड़ा होगा, यहाँ पे एक पोल खड़ा होगा, यहाँ पे एक पोल खड़ा होगा, जो पब्लिक लाइट है ना? यहाँ लाइट कहाँ मिलेगी आपको? कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ बहुत होगा तो आपके घर में ऐसे एक बल्ब झूलता हुआ लाल वाला जल रहा होगा, हाँ, जिससे पहचान में आएगा कि लाइट है इस गांव में, ऐसे ही है। घर कैसे होंगे? अब तो सबके जनरली प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद सबके पक्के हैं, है ना, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। लेकिन आज से यदि 15-20 साल पहले का घर गांव देखें, 20 साल पहले का गांव देखें, तो घर कैसे होंगे? 20 साल पहले लगभग एक गांव में एक दो पक्के मकान हैं, बाकी सारे कच्चे मकान हैं। कच्चे मकान किसके बने हैं? मिट्टी के। ऊपर छत किसकी है? खपड़ेल, खपड़े हैं, है ना? किसी ने क्या किया है कि खपड़ों को, मतलब मोटी लकड़ियों के बीच बड़े वाले खपड़े रखे हैं, किसी के यहाँ छोटे छोटे खपड़े रखे हुए हैं, छोटे खपड़े बड़े खपड़े दोनों चलते हैं। बड़े खपड़े को बिलायती खपड़े बोला जाता है, अंग्रेजी खपड़े बोले जाते हैं, तो है तो खपड़े, ऐसे घर बने हैं। एक और अंतर, पक्के मकान जब भी बनते हैं चौकोर बनते हैं, और कच्चे मकान आप लोगों ने देखा होगा वर्गाकार बनते, सॉरी आयताकार बनते हैं। देखा है? हमारे जब कच्चे घर होते थे तो ऐसे घर आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि एक कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो, कमरे ऐसे, ये एक बड़ा सा कमरा ऐसे है जो आयताकार है, ऐसे होता है, है ना? ऐसे इसलिए होता है, कभी सोचा कि ये अंतर कहां से आया? इतना बड़ा कोई घर था कच्चा, इतना बड़ा ये हाल है? नहीं हो सकता था, इसलिए कि इतनी बड़ी कोई लकड़ी नहीं होती, कोई लकड़ी ऐसी नहीं होती थी, इससे हमें पानी भी तो निकालना है ना। हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बड़े मोटे लकड़ियाँ होती हैं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, ऐसे रखते थे, ऐसे रखेंगे ना, और लकड़ियाँ इतनी बड़ी होती हैं, तो यहाँ हम चाहे जितनी लकड़ियाँ रख सकते हैं, आगे जितना बड़ा करना उतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसकी लंबाई हम इतनी नहीं कर सकते कि चौकोर बना ले। तो हमने क्या किया, हमने एक लकड़ी लाई, एक दीवाल यहाँ बनाया, ये वाली दीवाल ऊपर, ये वाली नीचे, ऐसे बने हैं, और वो लकड़ी लाई तो ऐसे रखी है, इसलिए ऐसे रखी है क्योंकि पानी भी तो गिराना है ना बरसात में, पानी गिराने के लिए। और लकड़ी इतनी बड़ी मिल सकती है जितना अधिकतम पेड़ हो, सबसे बड़ा पेड़ यूकेलिप्टिस का जो हमें मिल सकता था घर बनाने के लिए, है ना, यूकेलिप्टिस का है, सागवान का है, सागौन का मिल सकता है, बांस बड़े बड़े मिल जाते हैं, पर बांस मजबूत नहीं होते हैं कि एक पूरा बांस यहाँ से वहाँ तक इस्तेमाल कर लें, गिर जाएगा। तो बड़ी मोटी लकड़ियाँ, मजबूत लकड़ियाँ, इमारती लकड़ियाँ जिनको बोलते हैं, इमारत बनाने में काम आती हैं, उनकी लंबाई 12 फीट, 13 फीट, 15 फीट से ज़्यादा हमें नहीं मिलती।
तो हमारे जो दरवाजे बनेंगे, फर्स्ट फ्रंट जिसको आप लोग आज की भाषा में आप अतिथि कक्ष कह लो, है ना, वो इतने न होंगे, चौड़े नहीं होंगे, आयताकार होंगे। तो ये सारी चीज़ें, इन सबको देख के हम लोग इतिहास का पता लगाते हैं, जिसको साक्ष्य बोला जाता है। बात क्लियर? हड़प्पा सभ्यता के लोग चौकोर मकान बनाते थे, छोटे छोटे, इतने बड़े नहीं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो निवास स्थल था वो मोहल्ले जैसा होता था, मतलब नगर जैसा होता था, गांवों जैसा नहीं होता था। उनकी हर एक पद्धति कैसी थी? नगरी थी, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वह एक नगरी सभ्यता थी। ठीक, अब इसके ठीक विपरीत कुछ साल बाद, है ना, 2500-2700 BC के आसपास हड़प्पा का उदय होता है। अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से कुछ 2750 मानते हैं, कुछ 2500 मानते हैं, कुछ 2350 मानते हैं हड़प्पा की शुरुआत। जो 2500-2700 मानते हैं तो ये यहाँ 2000 में समाप्त कर देते हैं। जो 2500 मानते हैं वो 1750 BC तक ले आते हैं, 1500 BC तक ले आते हैं। ठीक ना, अलग अलग थ्योरीज हैं, पर 1500 BC तक भारत में गंगा नदी, गंगा यमुना के संगम पर एक सभ्यता बसी, जिस सभ्यता का नाम हुआ वैदिक सभ्यता। ठीक, सर भी आ गए होंगे। और उस वैदिक सभ्यता की सारी चीजें हड़प्पा के विपरीत हैं, वो ग्रामीण, वो नगरी है तो ये ग्रामीण है, चौकोर होती थी सड़कें तो यहाँ अनियमित है। ठीक, सब कुछ एकदम विपरीत है। और कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि वो ग्रामीण सभ्यता से कैसे, उसी ग्रामीण सभ्यता से हिंदुत्व के सारे सिद्धांत आज निकल कर आते हैं। हिंदू शाकाहारी होते हैं, हिंदू नहीं, ब्राह्मण शाकाहारी होते थे, छत्री तो नहीं होते थे, बिल्कुल नहीं होते थे। होते थे क्या शाकाहारी छत्री? सुना है, नहीं होते थे। छत्रियों का काम शाकाहारी का हो ही नहीं सकता था। ठीक, सारे ब्राह्मण भी उस समय नहीं थे शाकाहारी, चूंकि बलि चढ़ती थी तो प्रसाद सब तक जाता था, है ना। पर एक ठप्पा तो लगा हुआ है कि शाकाहारी, हम सब्जियों को इतना क्यों महत्व देते हैं, हम गाय को इतना क्यों महत्व देते हैं, हम घी को इतना क्यों महत्व देते हैं? ये सब निकल कर आता है हमारी गंगा नदी और उसके आसपास बसी हुई सभ्यता। मुस्लिम मांस क्यों खाते हैं, मतलब मांस पर उनकी निर्भरता क्यों है? हाँ, हमारा झंडा हिंदुत्व, हिंदुओं का झंडा केसरिया रंग का क्यों है, भगवा रंग का क्यों है, और मुस्लिमों का झंडा हरे रंग का क्यों है? ठीक, मुस्लिम बुरके क्यों पहनते हैं और हम धोती कुर्ता क्यों पहनते हैं? ये सारी चीज़ें हमारे बसने पर ही टिकी हुई हैं। आप पाएंगे एक सभ्यता जो मुस्लिम सभ्यता जन्मी है, वो कहाँ जन्मी? अरब में, सऊदी अरब में। ठीक, मतलब वही क्षेत्र है और वो पूरा रेगिस्तान का क्षेत्र है, डेजर्ट है। कोई घास है क्या वहाँ? नहीं है। नदी है क्या वहाँ गंगा जैसी? नहीं है। ठीक, यदि गंगा जैसी नदी कोई सऊदी अरब में भी बह रही होती, हाँ है ना, तो वो भी नदी की पूजा कर रहे होते, पर वो नदी की पूजा नहीं करते। हाँ, वो निर्भरता अलग है, ये अलग है। तो कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, वैदिक समाप्त करेंगे, गुप्त गुप्त मौर्य गुप्त और ये आपका क्या क्या है उत्तर वैदिक, इनका ब्रीफ करेंगे। थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, इतना ज़्यादा हम लोग को नहीं करना है क्योंकि हम लोग को मॉडर्न तक पहुँचना है। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में शायद आपको ये समझाने में सफल रहा हूँगा कि इंसान के द्वारा हर, मतलब जो कुछ किया गया है, जो कुछ बनाया गया है ना, अर्थात उसके द्वारा जो वस्तु, औजार, लिपि, चित्र बनाए गए हैं, वो सब साक्ष्य होते हैं। उन्हीं साक्ष्य के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि इस काल का इंसान कैसा रहा होगा। इसकी तुलना हम लोगों ने इंदौर शहर को एक बार पानी में डुबो करके देखा कि यदि डूबेगा और 50-100 साल बाद यदि कोई इसकी खुदाई कर कर पता लगाएगा तो उसको यहाँ से क्या मिलेगा। ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है ना, ऐसा ना हो, ये कल्पना है। और उस कल्पना को आपको कहाँ फिट करना है? हड़प्पा में फिट करना है, प्रागैतिहासिक में फिट करना है ना। और इतिहास को हमारे पूर्वजों की कहानी मान के पढ़ना है, जैसे कि वहाँ हमारे परदादा रहे हों, जैसे हम खुद वहाँ रहे हों। ठीक है, आप लोगों ने मोहनजोदारो पिक्चर देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए, अच्छे खासे समझ में आएगा कि हड़प्पा के लोग कैसे थे और इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। देखना चाहिए आप लोग को, नहीं देखा है तो देख लीजिए, रात में जगते ही हैं तो थोड़ा सा, है ना। और जहाँ आप रहते हैं नेटवर्क डेटा की तो कोई कमी है नहीं, हर बिल्डिंग में 3-4 वाईफाई लगे हुए हैं, जहाँ आप रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है डेटा की, देखिए, है ना। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, इसको बंद कर दीजिएगा।
सेंटर।